प्रस्थान करेंगे। मैं नाम उनका लेता जा रहा हूं। वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले श्री बोलोराम नाग, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये इन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश प्राप्त किया है और ये प्रयास विद्यालय के साथ जोरदार तालियों से स्वागत, और इन्हें मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में ब्रांच प्राप्त हुई है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। श्री सहदेव इनका आईआईटी रोपड़ में हुआ है, इनके पेरेंट्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री शिवव्रत सिंह, ये आईआईटी मंडी में इनका प्रवेश हुआ है और इनके माता श्री हमारे बीच में हैं जो कि पुरस्कार लेंगे। ये वास्तव में सम्मान है इन विद्यार्थियों का, उनकी कड़ी मेहनत का, लगन का। श्री प्रतीक कौशिक का आईआईटी वाराणसी में प्रवेश हुआ है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इनके भी पेरेंट्स इनके ओर से पुरस्कार लेंगे। अब छात्रों में मिलन कुमार भुआर, आईआईटी धनबाद में इनका प्रवेश हुआ है। योगेंद्र सिंह, आईआईटी धनबाद। विवेक कुमार दीवान, आईआईटी धनबाद। अमरनाथ पैकरा, आईआईटी धनबाद। चेतना पैकरा, आईआईटी पटना। जोरदार तालियों से स्वागत। देवांती पैकरा, कानपुर। झरना कुमेटी, आईआईटी धनबाद। कुमारी शिवलीना टिंडो, आईआईटी जोधपुर। किशोर कुमार पैकरा, आईआईटी भुवनेश्वर। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। मुकेश कुमार, इनका एनआईटी जयपुर। नुपेश कुमार, इनके पेरेंट्स हैं, इनका आईआईटी इलाहाबाद में हुआ है प्रवेश, जोरदार तालियों से स्वागत। दिनेश्वर, एनआईटी अगरतला, इनके भी पेरेंट्स हमारे बीच में हैं। लेखराज साहू, एनआईटी रायपुर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उमंग कुमार, एनआईटी रायपुर। ऋषि जोशी, एनआईटी रायपुर। राजेश कुमार, एनआईटी रायपुर। नितिन कुमार, एनआईटी रायपुर। बोधिसत्व पटेल, एनआईटी रायपुर। नीतीश कुमार टंडन, एनआईटी रायपुर। प्रीतेश शारे, एनआईटी रायपुर। मयंक कुमार, एनआईटी रायपुर। डोमेश पोटाई, एनआईटी रायपुर। बसंत कुमार, एनआईटी रायपुर। खिलेश कुमार, एनआईटी रायपुर, जिन्हें मेटलर्जिकल में प्रवेश प्राप्त हुआ है ब्रांच में। रवि कुमार, एनआईटी रायपुर। धनेश्वरी, एनआईटी रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इनको प्रवेश प्राप्त हुआ है। गोदावरी, एनआईटी रायपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश प्राप्त हुआ है। मोनिका नेताम, एनआईटी रायपुर, सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश।
पल्लवी एनआईटी रायपुर आर्किटेक्चर ब्रांच में, प्रेरणा सिंह एनआईटी रायपुर, अन्नपूर्णा एनआईटी रायपुर, मोनिश एनआईटी रायपुर, मोनिश का प्रवेश जो है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, नोमित सिन्हा एनआईटी रायपुर, महेंद्र कुमार सिंह एनआईटी रायपुर, श्री भूपेश एनआईटी रायपुर, इलेक्ट्रिकल में कुमारी किरण बघेल आईआईटी मद्रास, रुवेश पैकरा एनआईटी रायपुर, कुमारी दीक्षा सिंह एनआईटी रायपुर, इसके पश्चात एमबीबीएस के प्रवेश परीक्षा में भी छात्राओं ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। सुशील लकड़ा, शुभांजलि लकड़ा एमबीबीएस रायपुर मेडिकल कॉलेज में इनका प्रवेश हुआ है। रोशनी पैकरा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, सुष्मिता पैकरा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेघा पैकरा मेडिकल कॉलेज रायपुर, अंशिका सिंह मेडिकल कॉलेज जगदलपुर एमबीबीएस में, अलका मरकाम मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, दीपमाला मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, रविंद्र कुमार मेडिकल कॉलेज बिलासपुर एमबीबीएस। ये हमारे सभी ये अत्यंत हर्षों का कि जनजाति समाज के सभी 8 विद्यार्थियों ने मेडिकल कॉलेज में गौरवपूर्ण प्रवेश प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत विशाल महाराणा का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि से ये सम्मान प्राप्त करने को आमंत्रित है श्री फागेश सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका चयन हुआ है युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। श्री बजरंग सिंह, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका भी चयन हुआ है। श्री नीतीश रावटे, आपका चयन सहायक वन संरक्षक के पद पर हुआ है। मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान प्राप्त करें। सहायक वन संरक्षक के पद पर चयन हुआ है युवा करियर। श्री तेजपाल सिंह ध्रुव, सहायक वन संरक्षक के पद पर आपका चयन हुआ युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत। श्री रवि कुजूर, आपका चयन उप पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। श्री लक्ष्मण कोटाई, उप पुलिस अधीक्षक, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाए। श्री उत्तम प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक के पद पर आपका चयन हुआ है। श्री अविनाश कुमार ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित, और श्री तुलसी लेकम, उप पुलिस अधीक्षक के पद पर आपका भी चयन हुआ है। ये सभी छात्र युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत यूथ हॉस्टल दिल्ली और राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हमारी अनेक विशिष्ट प्रतिभाएं रही हैं, जो खासकर ट्राइबल्स की पहचान भी है। जनजाति समाज का एक जन्मजात उनमें प्रतिभा भी होती है। मैं ऐसी सभी प्रतिभाओं को जो यहाँ उपस्थित आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले एकलव्य की ओर से श्री विक्रम सिंह मरावी, जोरदार तालियों से स्वागत। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है क्रिकेट टेनिस बॉल स्पर्धा में। दीपेश कुमार,
इन्होंने क्रिकेट टेनिस बॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आप छुरी कला कोरबा एकलव्य विद्यालय के छात्र हैं। श्री हवन देव, खो खो में स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है। अमृत, आपने भी खो खो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सुखचंद, इन्होंने भी खो खो में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आप सभी अंतागढ़ के हैं। श्री दीपक जाड़े, इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। श्री शिवम सिंह ने फ्लोर बॉल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। आप मैन पार्क सर्वोदय एकलव्य के छात्र हैं। जोरदार तालियों से इन सभी छात्रों का स्वागत। क्रीड़ा परिषद के छात्रों में श्री अर्जुन कर्मा, उन्होंने रोहतक हरियाणा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एथलेटिक्स स्पर्धा में। श्री हेमराज, इन्होंने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नारायणपुर के छात्र हैं खो खो में। श्री दिलीप मिंज, नारायणपुर के छात्र हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपने खो खो में। श्री योगेश कुमार, थ्रो बॉल में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्रीड़ा परिषद डौंडी के छात्र हैं। श्री समीर कुमार, थ्रो बॉल रायपुर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपने भारत क्रीड़ा परिषद डौंडी से। सोहन कुमार, दिल्ली से रजत पदक आपने प्राप्त किया है। क्रीड़ा परिषद डौंडी दुर्ग के छात्र। श्री देवेंद्र कुमार, थ्रो बॉल दिल्ली में आपने रजत पदक प्राप्त किया है क्रीड़ा परिषद दुर्ग से। सर रोहन महला, कांस्य पदक आपने प्राप्त किया है क्रीड़ा परिषद दुर्ग के। कृपया जल्दी आए। रूप सिंह, कबड्डी में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया है। कुमारी हेमंत गोमरा, कबड्डी में आपने रजत पदक प्राप्त किया है कन्या क्रीड़ा परिषद कांकेर। कुमारी योगिता मरकाम, कांस्य पदक प्राप्त किया है आपने फुटबॉल में। कुमारी अनुजा मिंज, इन्होंने फुटबॉल में अम्बाला हरियाणा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। कुमारी समिता पैकरा, फुटबॉल में इन्होंने कन्या क्रीड़ा परिषद जसपुर में कांस्य पदक प्राप्त किया है। दो और हैं सर, ये राजेंद्र प्रसाद कंवर, इन्होंने दसवीं की प्रावीण्य में परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है। और कुमारी दीपिका लकड़ा। आदर्श अधीक्षक पुरस्कार के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे लड़का हमारा बहुत उत्साहित हुई, बहुत आपके आशीर्वाद मिले। आगे भी इस प्रकार से अगले साल भी ऐसे बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन देखे मिली हमारे लड़का के बीच में। अब इस बीच में निश्चित तौर पर जब होता कोई कार्यक्रम बात होते थोड़ा बहुत होकर लिए मैं सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हमारे फाउंडर मेंबर माननीय श्री जी जिला युवा एक समाज की तरफ से मांग पत्र जो भी मुद्दा है बोला। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप सब उपस्थित बहुत बहुत बधाई है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री शासन और मंचस्थ सभी मंत्रीगण और अतिथिगण उपस्थित सभी साथियों, दोस्तों, बच्चों, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सर कुछ हमारे आदिवासी कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं बोला मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सर हमारे संविधान में 240 एक के अंतर्गत पांचवी अनुसूची घोषित है, उनमें शासन और प्रशासन के बागडोर राज्यपाल जी को सौंपे गए हैं और उसमें एक छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की परिकल्पना है। उनमें अभी अभी आप शासन की तरफ से 15-20 सदस्यों का ये सीमा है, इसमें 15 विधायक होते हैं और जो 25% है वो अन्य विशेषज्ञ सदस्यों को दिया जाता है। तो इसमें हम लोगों की पहले से ही मंशा ये रही है कि हमारे प्रदेश में 29 सीट है, ट्राइबल सीट है, तो बारी बारी से सबको ये अवसर मिले ताकि वो अपन विधानसभा के बाद ला, विकास के बाद ला,
अपन ढंग से बता सके। तो ये एक मांग है। दूसरा मांग है कि ये अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के लिए एक सचिवालय की इसमें व्यवस्था है जो अभी तक हो नहीं पाई है। हम लोग मांग कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा है। इसमें यदि हमें सचिवालय मिलता है तो हमारे प्रदेश की जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं अपनी बातें वहां आकर के रख सकते हैं और जो सलाहकार परिषद की जो बैठक होती है उसमें एजेंडा ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। इसमें एक सचिव की व्यवस्था है तो निवेदन है शासन से कि इसे इस मांग को पूरी किया जाए। ये बहुत इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई वित्तीय भार शासन को नहीं आ रहा। दूसरा है सर ये पैसा कैसे ने कहा कि पंचायतों में तो लागू है पर परियोजना क्षेत्रों में बहुत सारे और समस्या है, वन समितियां हैं आपके ज्यादा है पढ़ू वन समितियां हैं आपके सहकारी समितियां हैं उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो 50% का और अध्यक्ष का जैसे पैसा जैसे नियम है वो होना चाहिए। इसके अलावा सर 74 एमेंडमेंट के द्वारा नगर निगम नगर पंचायत और नगर पंचायत जो परियोजना क्षेत्रों में स्थित है उसमें हम लोग आरक्षण वो अपने चक्रावर्तन से मिलता है। व्यवस्था ये है 74 एमेंडमेंट में कि ये जो संशोधन है वो नहीं है हमारे से नगर पंचायत 3 नगर पालिका 3 नगर निगम में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। और सर क्या है कि जैसे आप नगरी का उदाहरण ले लीजिए और विश्रामपुर का उदाहरण ले लीजिए और कहीं और नगर पंचायतों का उदाहरण ले लीजिए 5,000 की जनसंख्या नहीं होने पर 2 पंचायतों को मिला करके नगर पंचायत बन गया तो हमारा तो 3 नया जो सरपंच हमारे 3 हुआ करते थे वो तो हमसे छीन लिया गया लेकिन अध्यक्ष भी हमसे छीन लिया गया। वो चक्रानुक्रम से चलता है तो ये 74 एमेंडमेंट परियोजना क्षेत्रों में लागू ही नहीं होना चाहिए, इलीगल। तो हमारा समाज के निवेदन है कि जब से पैसा फोर्स में आया है आज से जो नगर पंचायतें बनी है परियोजना क्षेत्र में वो इलीगल है, आपके ऊपर है, आप उसको कैसे अमेंड करते हैं। आपके लोकल एक्ट में नगर पंचायत नगर निगम नगर पालिका एक्ट में अमेंड करके इसको आप सुधार सकते हैं तो इससे काफी बड़ा भला ही होगा। दूसरा मांग है सर ये हमारे जो पेरिफेरी में महाराष्ट्र है तेलंगाना है आंध्र प्रदेश है वहां कैटेगरी है क्षेत्र के उसमें चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के 11 विभाग के कर्मचारी उसी परियोजना क्षेत्र से ही लिए जाते हैं। कारण यह है कि वहां आपके जो मानव सूचनांक विकास सूचनांक है वो कम हो रहा है वहां के सरकारी अधिकारी वहां रहते हैं निवासी करते हैं इसलिए जो सुविधाएं जो योजनाएं सरकार लाती है वो उन तक न पहुंच नहीं पा रहे तो राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद ने ये सुझाव दिया कि इसको पूरा अनुसूचित जनजाति लोगों से ही पसंद भरा जाए तो इससे आपके हमारा ऐसा समाज का मानना है कि यदि ऐसा आप करते हैं तो जो नक्सली प्रभावित जिला है वो नक्सली प्रभावित आएंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये सलाहकार की बैठक में लाया जा सकता है। ओके सर इससे अभी हम लोग जो जूझ रहे हैं वो हमारे मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यदि राज्य सरकार से संबंधित राज्य सरकार ने आपके साथ लेटर भेजा है उसमें 2.5 लाख की आय सीमा की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए हमारे चपरासी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी उनके वेतन 7वां वेतन मानदेय 25,000 से लगभग ज्यादा है तो वैसे भी उस सीमा से ज्यादा है तो ये मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलने के कारण ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो क्लास 3 और 4 हैं वो ऊपर मेडिकल जा नहीं पा रहे हैं और इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहे हैं। भारतीय संस्थान के किसी भी
उसमें प्रवेश नहीं पा रहे हैं। तो हमारी मांग यह है सभा की कि ये अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति है वो जन्म से ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनको वहीं से सुविधा प्रारंभ हो जाती है। तो विदाउट एनी बेस इनको वो सुविधा मिलना चाहिए, इसके लिए आपसे हम लोग मांग करते हैं। और सारी मांग समय अखबार भी हम आपको मांग दे रहे हैं सर, जहाँ तक फर्स्ट क्लास संघ की 46 के चार्टर है, उसमें हम लोग मांग ये है कि 46 चार्टर को देखा जाए राज शासन के द्वारा, उसमें से क्या क्या शासन कानून वर्तमान कानून है, क्या क्या बनाया जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर 46 चार्टर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की मंशा के अनुरूप और संविधान में जो हमें व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप मिल सकते आपको। बंद हो गया क्या? समाजवादी सभा की ओर से हमारे प्रदेश के आदिवासी संबंधित विभिन्न मांग को प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोरदार ताली से स्वागत। ये हमारे से संबंधित मांग है, हमारे से संबंधित विशेष प्रावधान है। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री अमरजीत सिंह भगत जी, माननीय खाद्य मंत्री जी। आपके ओजस्वी पूर्ण बात का सुने पर ललाई था समाज है, कृपया अपन बात कर। उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके आदर्श माननीय भूपेश बघेल जी, आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई श्यू डहरिया जी, कवासी लखमा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आदरणीय विधायक साथी शिशुपाल सोरी जी, जसपुर के विधायक विनय भगत जी, श्रीमती गंगा पोटाई जी, सुश्री लता सेंदी जी, अंबिका मरकाम जी, खेतान साहब, पूर्व विधायक गुलाब सिंह जी, राज समाज के अध्यक्ष नीतीश नेताम जी, मैडम रमा सिंह जी, डॉक्टर उइके जी, सुरेंद्र साहब आयुक्त, श्रीमती कमला नेताम जी, श्री कुंज बिहारी जी, जनक मोहित गणेश नितिन कुलदीप ध्रुव और समाज के श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर जी और समाज के सभी से आए हुए प्रदेश के कोने कोने से हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी प्रेस के साथियों, भाई किसी हमारे गिरीश देवांगन जी, अन्य सभी साथी, यहाँ की पूर्व महापौर मैडम, सभी लोगों को आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं सारी बात शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत दिनों बाद ये मुकाम आया कि जब हम लोग त्योहार के रूप में 9 अगस्त को मना रहे हैं, आपने मंत्री बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्कृति विभाग मेरे पास है, आपने दिया है, तो दो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। काफी लगने है चलाना सब झल्ला मोहिदारी।
मोहिदारिस मोहिदारिस सीएम साहब को हंस बोलना दिवासी के देना मोहिदारिस सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसके पहले भी आयोजन होता था, समाज के लोग फल आपूर्ति करते थे, आप जागरूकता दिखाते थे, सरकार के नुमाइंदे केवल औपचारिकता निभाने के लिए करते थे, पूर्व सरकार आदिवासियों को मुंह बंद करके रखा था, उनके मुंह में टेका दिया और आदिवासियों को बोलता था कि हंसो, जमीन का छीना सभी ₹2500 से बढ़ा करके 4000